थड़ी चढ़ाई है, यही है वाटरफॉल। मस्त वाटरफॉल है। तो वेजिटेबल के नाम पे वैसे सिर्फ गाजर काट रखा है और धनिया डाल रखी है ऊपर। तो गाइस ऐसे गांव की याद आ गई कच्चे रास्ते में चल के। ये ऋषिकेश की वन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से आता है। किसी दिन ऊपर से आ गया ना पानी तेज, चेयर के साथ ही जाओगे मैगी के साथ। तो गाइस अभी चलते हैं नदी पार, लेट्स गो। गाइस यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, एंट्री टिकट। इंडियन के लिए 30 रुपये, बच्चे जो हैं जैसे कि रोहित भाई 20 रुपये लगेंगे और फॉरेनर्स के लिए 50 रुपये। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं नीर वाटरफॉल में और यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 30 रुपये पर हेड थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा ऊपर वाटरफॉल देखने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जैसे कि भैया ने बताया था पिछले ब्लॉग में कि टिकट लेनी पड़ती है, तो टिकट ली हम लोगों ने। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है वाटरफॉल, उसका आपको लुक दिखाता हूँ। वैसे बहुत कम लोग इस जगह पे आते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ आना है। गाइस इधर पे बिल्कुल लाल टिब्बा जैसे चढ़ाई है, जैसे आपने कल दिखा होगा लाल टिब्बा की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है, ऐसे लंबाई में भी नहीं, देखो कैसे चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नीर वाटरफॉल। कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, अब देखते हैं वाटरफॉल। ये यही है वाटरफॉल, मस्त वाटरफॉल है। तो गाइस ये नहीं है नीर वाटरफॉल, सेम कैंपटी फॉल की याद आ रही है मुझे। भैया को टिकट दिखा दी है, लेट्स गो। बिना टिकट के आना ही मत, आने नहीं देंगे। तो ये थी इसकी टिकट। तो गाइस पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल पे, ये है नीर वाटरफॉल। इसी चीज को देखने के लिए 30 रुपये लगे। आप लोग नीचे नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी आपने बताया ऊपर दो चीजें और हैं, क्या है? दो झरने और आता था, वो नीर वाटरफॉल का, वो भी नीर वाटरफॉल का ही पार्ट है बेसिकली। ये लोग जो जा रहे हैं इसके ऊपर वाले झरने पे जा रहे हैं, बस वो ट्रैकिंग ज़्यादा है, लगभग आधे किलोमीटर की ट्रैकिंग है ऊपर। तो इससे बड़ा जो वाटरफॉल है इसके ऊपर, ये सबसे ग्राउंड वाला है, ये ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे पोर्शन भी बनाए हुए हैं लोगों को करने के लिए, यहाँ मैगी के स्टॉल भी हैं, लोग खा सकते हैं, चाय भी मिल जाएगी और चेंजिंग रूम भी है उनके पास, कपड़े चेंज कर सकते हो। तो ये एक ऋषिकेश का फैमिलियर टूरिस्ट जगह है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो और ठंड में वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा साफ है गाइस, पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा लेवल नहीं है बट नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है। व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अभी टी ब्रेक हो गया हमारा, मतलब कि मैगी और चाय का ब्रेक हो गया। गाइस जस्ट हमारे सामने है नीर वाटरफॉल, अभी हम यहाँ पे मैगी और चाय पियेंगे, फिर शायद मैं और रोहित भाई जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, जो दो वाटरफॉल है अगर गए तो, हिम्मत हुई तो। बाकी सपना और भैया यहाँ से चले जाएंगे सीधा अपने ऑफिस की तरफ, और हम हांडेंगे थोड़ा सा। नज़ारा काफ़ी अच्छा है। भैया क्या क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे मैगी के? 50 रुपये मैगी वेजिटेबल वाली है, हाँ, और प्लेन मैगी आपकी 40 वाली है, चाय आपकी 20 वाली है प्लेन में, कुल्लड़ वाली 30 में, कॉफ़ी 30 रुपये की है। तो शुक्र भी बनाते हो आप? हाँ, ये बंद मक्खन है, ये 40 रुपये का है अमूल बटर के साथ। तो भाई 50 रुपये की आपको वेजिटेबल मैगी मिल जाएगी, प्लेन मैगी 40 की, और जैसे जैसे भैया ने बताया कि 20 रुपये की चाय है, 30 रुपये की है कुल्लड़ में ना, और 30 रुपये की कॉफ़ी भी है, 30 रुपये की कॉफ़ी, कॉफ़ी भी और टोस्ट वगैरह मिल जाएंगे। 10 रुपये की है। बाकी आप लोग यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। भैया आप ऑमलेट वगैरह भी मानते हो ना, तो उसका क्या प्राइस है? उसका 60 रुपये है ब्रेड के साथ। 60 रुपये ब्रेड के साथ, और अगर सादा खाना हो? वो 50 का है। वो 50 का, ओके। नील गांव आपका गांव है ना, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह सब होती है? एक्वा कैंप है वहाँ पे, उड़ी बाबा कैंप है वहाँ पे, सब जगह कैंप है। तो प्राइसेस क्या हैं आपको पता होगा? 900 रुपये पर हेड है उधर। खाना पीना इंक्लूड? सिर्फ एक टाइम का खाना और एक ब्रेकफास्ट। एक टाइम का चाहिए, अगर आप रात को आओ तो रात का खाना, और दिन को आओगे तो दिन का खाना, और शाम को हाई टी में आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो अच्छा है, मतलब नील गांव देखने लायक।
गांव देखने लायक नहीं है, कैंपिंग एरिया अच्छा है, एरिया अच्छा है। तो फाइनली गाइज हमारे गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है, वेजिटेबल मैगी। हेलो, वेजिटेबल के नाम पे वैसे सिर्फ गाजर काट रखा है और धनिया डाल रखी है ऊपर, और नीचे प्लेट रखी हुई है। कैसे लग रहा है भाई? स्वाद आ गया भाई, 50 रुपये का पूरा। हेलो, 50 रुपये का स्वाद आ गया। हेलो, कल तक तो 20-20 रुपये के लिए रो रहा था। कैसी है, बढ़िया है? गाइस मैगी तो अच्छी है, चटपटी है। अब इनकी चाय पी के देखते हैं कैसी लगती है। तंदूरी की सब्जी किसकी? मिल के अच्छा लगा। और मिलते हैं वहाँ गांव में आपके। अच्छा, आएंगे अगर हम होंगे तो जरूर आएंगे। चलो बाय। सामने है मेरे नील झील, नीली नहीं है बट झील है। सो गाइस सपना और अजीत भाई जदे वो चले गए हैं क्योंकि उनका ऑफिस का टाइमिंग हो चुका है, और वो दोनों हमारे लिए अपना टाइम निकाल के आए थे, तो उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू। सपना को भी शुक्रिया और अजीत भाई को भी शुक्रिया। काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह उन्होंने घुमाई। अगर हम लोग गूगल मैप के हिसाब से चलते तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता और घूम भी नहीं पाते इतना, तो उनको दिल से शुक्रिया, काफ़ी अच्छे लगे दोनों। और अभी हम जा रहे हैं सीधा दूसरी झील देखने और तीसरी झील देखने, ऊपर की तरफ से पहली दूसरी, नीचे से दूसरी तीसरी, लेट्स गो। तो गाइस ऐसे गांव की याद आ गई कच्चे रास्ते में चल के, थकान लग रही है बट कोई नहीं, पहाड़ी बंदे चल देंगे। ये ऋषिकेश की वन ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से आता है, आप लोग अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। अब सिंपली क्वेश्चन है कि आप लोग यहाँ पे नील झील तक कैसे पहुँचोगे? तो जो लक्ष्मण झूला है उसके ऊपर से एक रोड जा रही है, सीधा उसी रोड पे आना है, कम से कम 5-6 किलोमीटर आप लोगों को यहाँ तक आना है जहाँ पे टिकट काउंटर था। उसके बाद 1 किलोमीटर का रास्ता है और वहाँ से आप लोग ऊपर की तरफ आएंगे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। टू व्हीलर हो तो बेटर है कि आप लोग टू व्हीलर से आए, पैदल तो आप थक जाएंगे। फिर ऊपर आते ही आपको पहला झील मिलेगा नीचे वाला, जहाँ पर हम लोगों ने मैगी खाई है। दूसरा झील ये रहा ठीक आगे की साइड, ये भी देख लेते हैं। पहले झील से जो सेकंड और थर्ड झील है वो लगभग 500-600 मीटर की ऊंचाई पे है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, तो आराम से आना, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट हमें टाइम की पाबंदी है तो हम लोग चले जाएंगे। तो अभी 1:30 बज चुके हैं, लगभग आधे घंटे बाद हम लोग निकल जाएंगे। इधर भी कुछ दुकानें हैं और वो रहा सेकेंड फॉल, यहाँ तो कम लोग आए थे, इधर पर कम लोग आए हैं क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, ट्रैकिंग नहीं कर पाते, इसीलिए नज़ारा अच्छा है। इधर पे बैठने के लिए अच्छा होना है, पानी में पैर रख के बैठो, किसी दिन ऊपर से आ गया ना पानी तेज, चेयर के साथ ही जाओगे मैगी के साथ। लेकिन बढ़िया बना रखा है, मतलब पैर डाल के बैठो, आराम से चिल करके बैठो, सुकून लो। सेकंड वाटरफॉल, सेम कैंपी फॉल की याद आ रही है, इसे देखिए बढ़िया है। इधर पे पानी का फ्लो थोड़ा बहुत कम ही है और यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है, ज़्यादा गहरा नहीं है, 1-2 फुट का भी नहीं है, तो आराम से चिल कर सकते हैं जैसे भाई लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने शूज़ पहने तो हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। और वहाँ पे बन रही है रील्स यानी कि टिकटॉक, लेट्स गो। तो गाइस बैठने के लिए तो मस्त बनाया है, अब हम जा रहे हैं तीसरे फॉल पे। वैसे फॉल एक ही है, बस तीन जगह से होते हुए आता है। अब जा रहे तीसरे वाले में। ऐसी ट्रैकिंग चाहिए होती है, मज़ा आता है ऐसी ट्रैकिंग में। आसपास जंगल हो, पानी गिरता रहे, हम उसको पार करें और लुफ्त उठाएं। बट यहाँ पे आने के आपको लगेंगे 30 रुपये पर हेड। किसी का पर्स रह गया, किसी की बॉटल रह गई, गाइस ये गलत है, कोई उठा के ले जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि लेके चले गए, तो उठाने वाला था ना? नहीं। तो गाइस ये है थर्ड वाटरफॉल, छोटा सा है ये, कम ही लोग आते हैं इधर। ऊपर है ब्रिज, वहाँ से पानी आ रहा है। तो गाइस आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आता है नील गाँव। पानी ठंडा हो रखा है बट काफ़ी साफ़ है, नीचे तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक एक कण। तो गाइस अभी चलते हैं नदी पार,
लेट्स गो। ध्यान से पैर रखना फिसले आपका। चम्मल भी रखे हुए हैं गर्म करने के लिए खुद को। तो गाइस रोहित भाई नहाने जा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, थक गए बेचारे। नहीं नीचे से ऊपर आते आते देख के भी अच्छा लग रहा है कि नहाएंगे भाई, और कोई है नहीं ना इसलिए नहाने वाला है ये। नहाओ भाई, बॉडी तो नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी। चल नहा ले, बीमार पड़ा तो तेरी गारंटी। बाद में मेरे को बोला कि ये लेके आया था। अरे भाई तो गाइस जा रहा हूँ मैं। गाइस उसकी फट चुकी है, फट चुकी है उसकी ये। तो गाइस ये है तीसरा वाटरफॉल, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा वाटरफॉल है दो चार और, बट उतना ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग सीधा यहीं से नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। ये करवाते हो आप कैंपिंग जो होती है हमारे ऊपर, उसमें बॉनफायर वगैरह होती है। तो प्राइस क्या है? प्राइस सर कम से कम, मतलब ज़्यादा टीम के साथ है तो 1000 में सब हो जाता है, खाना पीना स्नैक्स ब्रेकफास्ट। अच्छा 1000 रुपये में सब कुछ, अगर टीम लंबी है। और अगर मतलब एक या दो लोग हैं फिर 1200-1500 वेजिटेरियन 1200 नॉन वेज 1500। ओके भाजी मैंने कहा यहाँ पे मैगी नंबर एक मिलती है इधर, पहाड़ी मैगी। हाँ जी हाँ, मैगी तो पर हमने नीचे खा ली है। अगर हम कभी नेक्स्ट टाइम आए तो इधर ही से खाएं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आप लोग मैगी वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। दो स्विमिंग पूल आपने नीचे देखे, ये तीसरा है। ये लगभग 2 या 3 फीट के आसपास होगा, कम से कम आपके यहाँ तक आ जाएगा पानी। तो ये ज़्यादा बेटर है तैरने वैरने के लिए, स्पेस भी अच्छा है यहाँ से वहाँ तक के लिए। तो सबसे बढ़िया मुझे यही लगा क्योंकि यहाँ पर कम लोग भी हैं और स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है वो थोड़ी अच्छी भी है, अच्छा लग रहा है मतलब। तो गाइस नील झील भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा स्कूटी से सीधा हरिद्वार के लिए। अब कुछ और चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास। 2 बज चुके हैं, 3 बजे तक हमें पहुंचना है, फिर 4 बजे तक एटलीस्ट हमें बस पकड़नी है। तो लेट्स गो। तो गाइस पार्किंग बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज मत देना किसी को भी सबसे पहली बात।